हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दिस इज हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला, अ प्लेस फॉर कॉमर्सियंस। वो आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोगों ने बच्चों प्रीवियस क्लास के अंदर इसके पार्टनरशिप फंडामेंटल की डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ ली थी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होती है उसको समझा था और कुछ इसेंशियल फीचर को समझा था। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग ये फीचर्स तो पढ़ चुके हैं, अब आगे का कंटेंट हमें पढ़ना है। हाँ, पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ से अब अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। देखिए जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा साथ में भी पढ़ लेते हैं। देखिए देखिए बच्चों, पार्टनरशिप के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में टू और मोर पर्संस अगर होते हैं तो वो पार्टनरशिप बना सकते हैं। अच्छा, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना पढ़ा था, जरा जल्दी से बताइए। मिनिमम टू और मैक्सिमम, वेरी गुड जी, 50। कौन सा एक्ट कहता है? क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है या कंपनीज एक्ट कहता है, जरा जल्दी से बताइए। वेरी गुड जी, कंपनीज एक्ट कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 होने चाहिए, लेकिन उसी ने फिर कंपनीज रूल 2014 ने उसको थोड़ा रिड्यूस करके 50 कर दिया गया। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि 50 होने चाहिए, आप इतना बोल सकते हो बस। ठीक है, कंपनीज एक्ट में 50 होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट ध्यान देना। अब दो लोग अगर मिलके बिजनेस करते हैं, अगर दो लोग मिलके बिजनेस करते हैं या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, झगड़े के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो एक ही मालिक होता है, उसी को सारा प्रॉफिट मिलेगा, उसी को सारा लॉस मिलेगा, है ना। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ ऑनर्स बढ़ते हैं कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन कन्फ्लिक्ट को दूर करने का एक सिंपल सा रीजन है, दैट इज पार्टनरशिप डीड। दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोल सकते हो, पार्टनरशिप विल बोल सकते हो, विल ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हो। तो इसके मल्टीपल नाम्स हैं, मल्टीपल नेम है। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, फटाफट से जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड बेसिकली होता क्या है? एक एग्रीमेंट होता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो हमेशा रिटन हो, ओरल भी हो सकता है। बट अब आप खुद सोचो, ओरल लोगों की बातों पे आजकल कौन भरोसा करता है, तो बेटर इज ये रिटन हो टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। द डॉक्यूमेंट, अब पार्टनरशिप डीड है क्या? द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप विल। तो इसके बहुत सारे नाम है, कोई भी नाम पूछा जा सकता है आपसे। पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बोल देते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल देते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड भी बोल देते हैं। मल्टीपल नेम्स है इसके, ठीक है। अच्छा आगे, इट इज नॉट इसेंशियल। जरूरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप बनानी है, पार्टनरशिप डीड बनानी है, इसका जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल। देखो जी, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर पार्टनरशिप बनाते हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो इट इज बेटर कि आपके पास एक पार्टनरशिप डीड हो। पार्टनरशिप डीड अगर होगी तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब उन प्रोविजंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स के चांसेस होंगे, बिल्कुल ठीक, कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स के चांसेस होंगे। अब इससे अगर हमें बचना है तो पार्टनरशिप डीड बना लो, पहले से ही सारी चीजें क्लियर कर दो, वरना क्या होता है फिर एक दूसरे के प्रॉफिट के लालच में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, केस कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पार्टनरशिप डीड बन जाएगी तो ज्यादा सही रहेगा। पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी डिटेल पहले से ही लिख दी जाती है कि कौन पर्सन कितना शेयर लेगा, कितनी सैलरी लेगा, सब कुछ। ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप डीड में, BST, 11th BST में। अच्छा, अब अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। तो अब आप देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के में कुछ प्रोविजंस हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं। पहले देख लीजिए कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, जो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं पार्टनर्स, उसमें क्या क्या होता है? नेम, एड्रेस होता है फर्म का, बिजनेस कहाँ पे होगा वो सब होता है, पार्टनर्स के बारे में होता है, बिजनेस स्टार्ट कब कर रहे हो उसके बारे में होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर एक पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो इन प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट और लॉस रेशियो पार्टनर्स बांटेंगे, सैलरी कितना लेंगे,
पार्टनर्स के राइट्स लाइबिलिटी, राइट्स, ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की, कितने ड्यूरेशन का होगा पार्टनरशिप, कब तक चलेगा, मोड्स ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट, जो ऑडिटर होते हैं जो अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं उनको कैसे हम अपॉइंट करेंगे, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। अब आप बताइए, पार्टनरशिप का एक बैंक अकाउंट होगा जिसको हम जनरली बोलते हैं करंट अकाउंट, तो कौन उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा, किसके साइन चलेंगे, क्या होगा इसके रिगार्डिंग, लोन अगर कोई पार्टनर दे रहा है गुडविल कैसे निकलेगी, रूल्स एडमिशन किसी पार्टनर को हम बिजनेस में कैसे लाएंगे, कैसे रिटायर करेंगे, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या करेंगे, बिजनेस बंद कैसे करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, आपको कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारे के सारे कंटेंट लिखे होते हैं, इन सारे कंटेंट्स के ऊपर पार्टनर्स को अपना डिटेल वगैरह मेंशन करनी होती है और साइन करने होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, पार्टनरशिप डीड ऐसा एग्रीमेंट है जो नेसेसरी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और ये सारे इसके कंटेंट हो गए। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, एक बच्चा कह रहा है अकाउंटेंट या सीए मेंटेन करता है क्या, हाँ सीए बना देगा पार्टनरशिप डीड, या वैसे लॉयर भी बना देते हैं ये काम, लॉयर भी कर देते हैं। अब पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड जरूरी इसलिए है ताकि कोई डिस्प्यूट्स ना हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, इसको हम एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं और इससे बिजनेस अच्छे से चलेगा, बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, तो ये फायदा है। ठीक है, एज एन एविडेंस लीगल प्रूफ है और इससे अवॉइड्स वगैरह, जो डिस्प्यूट्स वगैरह है वो नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो क्या होगा। अब ये मेन पॉइंट है, यहां से पक्का एमसीक्यूज बनेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में हम क्या करें। हाँ जी बिल्कुल, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है लेकिन प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो लड़ाई होगी। हाँ जी बिल्कुल, अपनी मर्जी पर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो अपनी मर्जी से फिर पार्टनर्स आपस में लड़ाई करेंगे, कोई कहेगा मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, कोई कहेगा मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, कोई कहेगा मुझे सैलरी चाहिए, तो इस बात को लेके कन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अब कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में मेंशन किए हुए हैं, कुछ पहले तो बेसिक है और उसके बाद डिटेल में आगे और पढ़ेंगे, इन पे पहले एमसीक्यूज करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, सारे पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो प्रॉफिट या लॉस होगा पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अलाउड नहीं होगा, कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर लोन देता है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, कैपिटल नहीं लोन देता है, तो उस केस में इंटरेस्ट अलाउ होगा 6% पर एनम, पूरे साल भर का 6%, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो क्या रूल है, सैलरी कमीशन किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं है, प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड बट एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए कुछ और प्रोविजन है, इसको तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैलरी अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ भी अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउड है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय फर्म टू पार्टनर, लेकिन अगर फर्म किसी पार्टनर को देती है तो उसके ऊपर कोई एक्ट में कुछ नहीं लिखा इंटरेस्ट। चलो पहले इतना पॉइंट जरा ध्यान से देखते हैं, इतने पॉइंट पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले एक बार देख लो, मैं ये एक बार आपको और बता दूं, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या क्या प्रोविजन है, प्रॉफिट अलाउड लेकिन कैसे इक्वली, प्रॉफिट और लॉस इक्वली बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है बिजनेस को तो अलाउड है, लेकिन 6% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, आइए जरा पहले यहां तक कुछ एमसीक्यू करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले यहां तक कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब एमसीक्यू की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा एमसीक्यू, थोड़े थोड़े एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम।
और ये सीक्वेंस में नहीं होंगे, आगे पीछे होंगे, जैसे जैसे पॉइंट हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज, बताइए बेटा ये डेफिनेशन हमने किसकी पढ़ी थी, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं, बिल्कुल ठीक जी, इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो पॉइंट ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फीचर क्या है, अब आप बताइए पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग, प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये एज एन एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। तो यानी जी इसका आंसर हो गया डी, इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स पार्टनरशिप के ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड के ऊपर, बताओ फॉलोइंग आर द असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, अब आपसे पूछ रहा है बताइए कौन सा इसेंशियल एलिमेंट है और किस पॉइंट को छोड़कर, बताइए आपसे पूछ रहा है किस पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे इसेंशियल एलिमेंट हैं। एक बच्चा कह रहा है इसका सी होगा, पढ़ते हैं जरा। फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर एटलीस्ट टू पार्टनर, टू पर्सन, बिल्कुल ठीक, दो पार्टनर मिनिमम होना चाहिए। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये कह रहा है इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस इक्वली बटा होना चाहिए, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, किसी बिजनेस के लिए कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। अब आप मुझे जरा जल्दी से बता दो इसका क्या आंसर होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी होगा। बेटा आप जरा ध्यान से देखना, दो लोग होने चाहिए मिनिमम तभी पार्टनरशिप बनेगी, नहीं तो सोल प्रोप्राइटर होगी। एग्रीमेंट भी होना चाहिए, बिजनेस करेंगे किस चीज के बीच में करेंगे, एग्रीमेंट में भी ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना एग्रीमेंट जरूर होगा, एग्रीमेंट होगा चाहे ओरल हो या रिटर्न हो, वो पता लगा ओरल एग्रीमेंट को कोई मानता नहीं है लेकिन एग्रीमेंट होगा, ठीक है। और एग्रीमेंट में कोई बिजनेस करना होगा, अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप कैसी, वो तो फिर एनपीओ वगैरह बन जाएगा, ठीक है। तो एक बच गया इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बताओ बेटा क्या ये जरूरी है कि हम पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटे, बताइए जी क्या ये जरूरी है, मेरी मर्जी हम इक्वल नहीं बांट रहे, फिक्स थोड़ी ना। तो आपसे कह रहा है इसमें से कौन सा फीचर नहीं होगा, तो ये सी पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे फीचर हैं, सी पॉइंट नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, अब आप बता दीजिए बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ ओरल और रिटन एग्रीमेंट विल बी, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटेंगे, बता दो बेटा जरा जल्दी जल्दी। वेरी गुड, सबने आंसर सही बताया है, ए ए ए ए ए इक्वल, ओके जी इक्वल आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, चलो भाई बताओ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अब आप डिफरेंस बताइए फटाफट से, वैसे तो ये हमारा कंटेंट नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, हमारे उसमें इससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना हमें, बाकी नॉर्मली बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप डीड की, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्रीमेंट क्या होता है और डीड क्या होता है। देखो मैंने कोर्ट से एक पेपर लिया, ध्यान से सोचना, मैंने कोर्ट से एक पेपर लिया और उसके ऊपर कुछ लिख लिया और दो पार्टनर्स हैं दोनों ने साइन कर लिए, एक एफिडेविट टाइप बनवा लिया, उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करा दूं, कोर्ट के साइन करवा दूं, स्टैंप लगवा दूं, अगर उसको मैं रजिस्टर करवा दूं कोर्ट से, तो वो बन जाती है डीड, एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन डीड की वैल्यू होती है, समझे। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड के अंदर ये फर्क है कि अगर हम उसको जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह करा देते हैं, उसको वैलिड कर देते हैं, तो पार्टनरशिप डीड बन जाती है, एग्रीमेंट ही आगे जाके डीड बनती है, ठीक है। आगे देखो फटाफट, चलो बेटा अब इसका आंसर देखो, सिंपल सी बात मैंने आपको बोला, पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड, ये सिंपल सी बहुत पॉइंट है, हम इसी को पढ़ लेंगे। एग्रीमेंट और डीड में बस इतना सा फर्क है, एग्रीमेंट सारी डिटेल वगैरह हमने लिख दी, बस उसकी रजिस्ट्रेशन अगर हम कोर्ट में जाके कर दें तो वो डीड बन जाएगी, मतलब पक्का हो जाएगा, एक तरीके से रजिस्ट्री जो होती है ना प्रॉपर्टी की, पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई वैल्यू नहीं है, रजिस्ट्री की वैल्यू, ऐसे समझ। आगे बढ़ते हैं, अब आप बताइए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट Partners are entitled to. अगर partnership deed silent है तो partners को क्या क्या मिलेगा, बताओ। Partners are entitled to. Salary मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। Commission मिलेगा? नहीं। Partner को क्या मिलेगा? Profit sharing capital ratio में होगा? नहीं, equally होगा। Interest on loan and advances ये मिलेगा, only interest, तो answer is C, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और साथ साथ देखते जाओ,
प्रॉफिट बेटा इक्वल रेशियो में बटेगा, अगर डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट है तो इक्वल बटेगा। अगर एग्रीमेंट एब्सेंट है तो सैलरी तो मिलेगी नहीं, आपको कह रहा है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगी, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, प्रॉफिट तो इक्वल बटेगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही तो मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सेवंथ का डी कह रहे हैं बच्चे, ओके बताओ भाई, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे मिलेगा बताओ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे मिलेगा। हाँ बच्चे कह रहे हैं निल, वेरी गुड, आंसर इज डी, आंसर इज डी, ओके आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। एट्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एट्थ क्वेश्चन, वाई एंड वाई आर पार्टनर, ये एक्चुअली एक्स एंड वाई होगा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इन्होंने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, एक्स स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट टू द बिजनेस, एक्स वाई से डबल मेहनत करता है, डबल टाइम बिजनेस में बैठता है, एक्स चाहता है कि उसको 6,000 पर मंथ सैलरी मिले, बताइए मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, आपको फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है 6,000 पर मंथ फॉर हिज एक्स्ट्रा टाइम, बताइए आपसे कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में एक्स को सैलरी मिलेगी, सेकंड पॉइंट में कह रहा है एक्स को सैलरी मिलेगी हाफ, थर्ड पॉइंट में कह रहा है एक्स इज नॉट एंटाइटेड टू एनी सैलरी, और डी पॉइंट में कह रहा है नन ऑफ दी अबव, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ वेरी गुड, सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी, एक्स इज नॉट एंटाइटेड टू एनी सैलरी, एक्स को हम कोई सैलरी नहीं देंगे, हर एक ऑप्शन में हम नन ऑफ दी अबव टिक नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ो और फिर उसके बाद आंसर करो, ओके। चलिए अब इसके बाद नाइन्थ पॉइंट पढ़िए, बोलो जी, अब जरा नाइन्थ पॉइंट पढ़ना, क्या कह रहा है, यहाँ पे भी वाई वाई लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इनका कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, वाई हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ 50,000, अब देखो वाई ने बिजनेस में 50,000 रुपीज कैपिटल लगाई है, एक्स ने बिजनेस में ओनली 5,000 रुपीज कैपिटल लगाई, हाउएवर एक्स हैड प्रोवाइडेड अ लोन, लेकिन एक्स ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है 10,000 रुपीज का, आपको कह रहा है व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू एक्स और वाई, बताइए कौन सा इंटरेस्ट हम इनको देंगे। हाँ वेरी गुड, बच्चों के आंसर फटाफट आ रहे हैं, बी 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 बी, ओके, किसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, वाई को तो कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड नहीं है, एक्स को भी कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स ने जो बिजनेस में लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट, 6%, तो आंसर क्या होगा बी, एक्स को इंटरेस्ट मिलेगा जो उसने लोन दिया है उसके ऊपर, वाई को कुछ नहीं मिलने वाला, वाई खाली हट जाएगा, एक्स एक्स को इंटरेस्ट मिलेगा बस। चलिए आगे आते हैं, अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आगे की बात करेंगे, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, अब कहाँ तक हो गए एमसीक्यू याद रखना आप लोग, नेक्स्ट क्लास में उससे आगे करेंगे, ठीक है, इसके बाद ये कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है वो तो हम आगे सीखेंगे तो एमसीक्यूज होंगे, थोड़े से और बढ़ते हैं आगे, मैंने और एमसीक्यूज दिए हुए हैं, चलिए ये सब तो हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे एमसीक्यू शायद, चलो अब थोड़ा सा आगे न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे इसके ऊपर और फिर आगे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा से न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अब चलिए बच्चों ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ध्यान से देखना आप, इसके बाद फिर मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कराऊंगा, फटाफट ध्यान से देखना। अमरीश ललित एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, इन्होंने कोई डीड नहीं बनाई, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है अमरीश हैज कॉन्ट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स, इसने ज्यादा पैसे लगाए हैं और वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से मिलना चाहिए, बट बाकी के पार्टनर्स डिसएग्री कर रहे हैं, बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो जी, नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक, नॉट अलाउड, ओके आगे बढ़ते हैं। ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, ललित बिजनेस में पूरा टाइम लगा रहा है और वो कह रहा है जी उसको 5,000 पर मंथ सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन बाकी पार्टनर्स डिसएग्री कर रहे हैं, बताइए सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी,
तो हम लोगों ने सीखा है, अगर डीड साइलेंट हो सैलरी नॉट अलाउड, नहीं मिलेगी। अच्छा, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। चारू कह रही है उसने जो लोन दिया था बिजनेस को उस पर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना। और वेरी गुड जी, बच्चे कह रहे हैं 6% मिलेगा, बिल्कुल ठीक, 6% मिलना चाहिए, 12% ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अमरीश हैज विड्रू विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, इसने 10,000 रुपए निकाले, और ललित एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज 10% पर एनम। दो पार्टनर्स कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग IOD चार्ज होना चाहिए 10% के हिसाब से, बताइए होगा या नहीं होगा। अगर डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अलाउड नहीं है, तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा। अगला पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, अमरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ कैपिटल रेशियो। देखिए प्रॉफिट हमारा हुआ फर्स्ट ईयर का 50,000, और अमरीश कह रहा है कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बंटना चाहिए, बताइए प्रॉफिट हमारा 50,000 रुपीज का हुआ और अमरीश कह रहा है जी 50,000 रुपीज जो है कैपिटल रेशियो में बंटना चाहिए, कैसे बटेगा। वेरी गुड जी, कैपिटल रेशियो में नहीं मिलेगा, इक्वली मिलेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट मुझे बता दो, ललित अपने बेटे को बिजनेस में एडमिट करना चाहता है और एक पार्टनर ने इस प्रपोजल का ऑब्जेक्शन कर दिया, बताइए वो अपने बेटे को बिजनेस में एडमिट कर सकता है या नहीं कर सकता, बोलो जी। क्या हम किसी और पार्टनर को अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं? नहीं जी, सबकी मर्जी जब तक नहीं होगी हम एडमिट नहीं कर सकते। अब देखो इसमें चारू ने मना कर दिया तो हम एडमिट नहीं कर सकते। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेरा एक क्वेश्चन है, बताइएगा जरा बेटा। तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, इन्होंने कोई डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। अब ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, इन्होंने डीड नहीं बनाई और सारे पार्टनर इसमें राजी हैं, बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो जी। हाँ एक बच्चा कह रहा है नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। सुन लो भाई, डीड नहीं बनी लेकिन अब सारे पार्टनर चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। जब सारे राजी हैं तो लड़ाई होगी नहीं, डिस्प्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। ये जो हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होते हैं जब डिस्प्यूट हो, लड़ाई झगड़ा होगा तभी तो ये रूल लगेंगे। अगर सारे राजी हैं तो फिर क्या करेगा काजी? हाँ जी, सभी की मेजोरिटी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, समझे। आगे बढ़ते हैं, अब देखो जरा यहां तक का पॉइंट तो हो गया और अब हम कुछ और प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो और न्यूमेरिकल पोर्शन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए जी, ये हमारा फॉर्मेट है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, अब इसको शुरू करते हैं, फटाफट ध्यान से देख लो इसको, और इसको बनाना है तो बना लो, फिर शुरू करते हैं इसको। चलिए बेटा अब जरा बात करते हैं आगे। देखो अब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, तो देखिए जरा अब मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ और फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमें न्यूमेरिकल बड़े क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करने, फोकस रखना है ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें और MCQ कर सकें, ठीक है। न्यूमेरिकल बेटा करने हैं लेकिन हमें उतने लिमिटेड न्यूमेरिकल करने हैं कि कॉन्सेप्ट समझ आ सके, बस इतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। TS ग्रेवाल की तरह बुक के अंदर 100 100, 100 100, 150+ न्यूमेरिकल था तो सारे करने बैठ जाए, इतना टाइम नहीं है। और हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है, केस बेस्ड क्वेश्चन और इन सबको सॉल्व करना है, वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को सेपरेटली प्रैक्टिस। लेकिन आप लोगों को एक चीज करनी है, वो ये जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट्स थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे आपको साथ साथ, ठीक है। सेल्फ एफर्ट्स लगाओ, उसको एक बार देखते जाओ और साथ साथ करते जाओ, हो जाएगा कवर, कोई इशू नहीं है। खुद भी MCQs करो, नोट्स तो आप लोगों को प्रोवाइड हो ही गए। देखिए अब हम बात कर रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ध्यान देना आप। देखो इस अकाउंट को थोड़ा सा समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं अप्रोप्रिएशन होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है,
P&L अकाउंट तो 11th क्लास में हमने समझा था, ये अप्रोप्रिएशन कौन सी नई बला आ गई? अब ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखिए अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो 11th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। 11th क्लास में जो भी बिजनेस होता था उसका एक सिंगल ओनर होता था और सारा का सारा प्रॉफिट हो या लॉस हो उस सिंगल ओनर को मिलता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब 12th क्लास में प्रॉब्लम ये है, जो भी बिजनेस है उसके मल्टीपल ओनर्स हैं, मल्टीपल ओनर्स हैं, बहुत सारे ओनर्स हैं। अब प्रॉफिट तो हम लोग निकाल लेंगे, प्रॉफिट या लॉस तो P&L अकाउंट से पता चल जाएगा। हम लोगों ने प्रॉफिट तो निकाल लिया या लॉस निकाल लिया P&L अकाउंट के थ्रू, लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना कैसे, प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटे। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अप्रोप्रिएशन के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, ओके। 11th क्लास में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक सिंगल P&L अकाउंट बनाते थे और पार्टनर्स को सीधा का सीधा प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, और यहाँ पे कैपिटल में भी हमें अलग अलग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल के लिए भी सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा हर एक पार्टनर के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई। अब आप देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये बेसिकली क्या फॉर्मेट है इसका, इस फॉर्मेट को देखो फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके लॉजिक्स को समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट और फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर को सैलरी देंगे या कमीशन देंगे वो भी आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा पार्टनर को अगर हम अगर पार्टनर कोई रिजर्व बनाता है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहां से आप लोगों को कॉपी करना स्टार्ट करना है, क्योंकि बीच बीच में मैं हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा ताकि आप लोगों को अकाउंट थोड़ा सा माइंड में फिट बैठ जाए, ठीक है। तो अब जरा जल्दी से करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, अच्छा ये लीजिए, और यहां पे हमारा निकल के आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएगा इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा यहाँ नेट प्रॉफिट के आगे स्टार लगा रहा हूं और नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, ये लो पहले आप लोग इसको नोट कर लो और फिर एक पॉइंट लिखते हैं, ये लो बेटा थोड़ा सा जूम कर दिया, और यहाँ पे एक PTR लिख लो, पॉइंट टू, PTR का मतलब पॉइंट टू रिमेम्बर, ठीक है। तो PTR नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट शेल बी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन मैनेजर कमीशन, एंड पार्टनर्स रेंट। तो ये पॉइंट लिख लीजिए और इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जल्दी करिए। हाँ एक बच्चे का डाउट है, नेट लॉस में भी हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है क्या? नहीं मत बनाना, बाकी मैं बता दूंगा कब बनाना है कब नहीं बनाना, वो मैं सेपरेट बता दूंगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा लॉजिक लगेगा, ऑल दी एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हम पार्टनर्स को देते हैं, सैलरी देते हैं, तो
तो ये सारा एक तरीके से अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का हिस्सा हम बांट रहे हैं तो इसको हमने डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं तो वो कंपनी के लिए एक तरीके से फायदा हो गया, पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो क्रेडिट कर देंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा इस सब का कैलकुलेट करके उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। ठीक है, जल्दी से करिए, और ये एक तरीके की रिविजन ही है, रिविजनरी वीडियो है, इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ठीक है, इतनी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि एक रिविजनरी है, हमें सिर्फ रिविजन पर्पज से इसको कर रहे हैं, इस क्लास को कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए बच्चों, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14, एक मैं कराऊंगा, एक आप लोग करके आएंगे, आपका होमवर्क होगा। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल हम करेंगे बस इसलिए ताकि जस्ट टॉपिक थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है, चलिए जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जी, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ए बी और सी तीनों को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगी ए बी और सी की। सैलरी मिलेगी ए और बी को, कमीशन मिलेगी सी को, और रिजर्व बनाना है 40,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च इज 4,90,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें कह रहा है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ये लो जी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई, यहां पे आ गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लो जी, सबसे पहले आ गया यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट, ये लीजिए नेट प्रॉफिट गिवन है 4,90,000। तो नेट प्रॉफिट इज 4,90,000। अब क्या क्या करना है हमें इसमें, सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो। तो मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा ए बी और सी, कितनी कितनी क्वेश्चन में लिखी हुई है, ए को 30,000, बी को 20,000, सी को 10,000। 30,000, 20,000, 10,000, 60,000, ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे पार्टनर से कितनी, ए से 10, बी से 5, सी से 5, ये लीजिए यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए बी सी 10,000, इससे 5,000, इससे 5,000, इससे टोटल हो गया 20,000। और क्या कह रहा है, कह रहा है सैलरी देनी है जी ए को भी और बी को भी। देखिए सैलरी ए और बी को देनी है 50,000, 50,000, टू सैलरी ए बी, 50,000 ए को, 50,000 बी को, 1 लाख। और साथ साथ कह रहा है सी को कमीशन दे दो, कमीशन सी को दे दो 10,000। ये लीजिए पार्टनर को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, ये एक तरीके से बिजनेस के लिए नुकसान की बात है इसलिए इसको डेबिट कर दिया हमने। पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो हम प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, प्रॉफिट में से ये सब चीजें माइनस कर रहे हैं इसलिए डेबिट कर दिया इसको। तो कमीशन दे रहे हैं हम सी को 10,000 रुपीज, टू सी इज कमीशन, ये लीजिए ये सब हो गया। अब लास्ट में कह रहा है ट्रांसफर रिजर्व 40,000 रुपीज, प्रॉफिट में से 40,000 रुपए हमें ट्रांसफर करने हैं और रिजर्व में डालने हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट है, इसमें से 40,000 रुपीज मैं अलग कर रहा हूँ, अप्रोप्रिएट कर रहा हूँ और रिजर्व में डालूंगा, क्योंकि इसमें से मुझे 40,000 रुपए अलग कर रहे हैं इसलिए मैंने अपोजिट साइड लिख दिया 40,000 रुपीज। और इसको कर लेते हैं अब हम सॉल्व, सारी चीजें हमने एज पर दी फॉर्मेट करी है और इसको अब सॉल्व करते हैं। और फटाफट से बताइए कितना प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब कैसे निकालें, कुछ नहीं, दोनों साइड का डिफरेंस देखो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को टोटल करो। क्रेडिट साइड आ रहा है 5,10,000, डेबिट साइड कितना आ रहा है 2,10,000, कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इज 3 लाख। क्रेडिट को जोड़ो, डेबिट को जोड़ो, डिडक्ट कर दो, तो ये डिफरेंस आ गया हमारा।
3 लाख रुपीज का। अच्छा कौन सी साइड छोटी है, डेबिट साइड छोटी है, इस डिफरेंस को हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट 30,000। हाँ सॉरी 3 लाख रुपीज। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब आप देखो जादू, दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाएंगी, 5 लाख 10,000, 5 लाख 10,000। इसको कहते हैं अकाउंट्स को बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, दोनों साइड जोड़ी, जो भी साइड छोटी आ रही है उधर लिख दिया। अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, इस प्रॉफिट, ये जो 30,000 प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को हम बांट देते हैं पार्टनर्स में, ए बी और सी, तीनों को बराबर बराबर प्रॉफिट दे दो। ए को 1 लाख प्रॉफिट मिलेगा, बी को भी 1 लाख प्रॉफिट मिलेगा और सी को भी 1 लाख प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि अगर कुछ भी ना बोला हो तो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, इक्वली। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला इसलिए हमने, क्वेश्चन में बोला हुआ है वैसे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बोला हुआ है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो इसलिए हमने ये प्रॉफिट बांट दिया। ये लीजिए जी, ये बेसिक सा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाने के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये रिविजनरी वीडियोज हैं, तो इसके अंदर हम टॉपिक सारे कवर करेंगे और टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन सिर्फ लिमिटेड जो हमारे लिए रेलिवेंट होंगे फॉर MCQs। ठीक है, तो इसको इतनी डिटेल में एज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आप कर लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, जीतेगा वही जो सीखेगा, तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। बाय बाय।